कुएं पर आते हैं खाना बनाने के लिए और उज्जैन ही बनाई जाती है। मुझे आई फ्लू हो गया। Hey guys, welcome to my new vlog. मैं आ गया हूँ आपके लिए नया व्लॉग लेकर, और आप थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि इस व्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा और क्या नहीं। पर अभी तो गोलू सेठ अपने पीयूष मामा के साथ खेल रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिला है, और आज है संडे तो हम दोनों भाई स्पेशली मंदसौर से घर पर आए हैं। गाँव में कुछ ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम जो पूरे गाँव वाले एक साथ मनाते हैं, मनाते होंगे लेकिन अब गोलू हमारे साथ मस्ती कर रहा है और पीयूष मामा के साथ मस्ती इसकी पूरी हो चुकी है। और इससे हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत मज़े किए, बहुत मस्तियां करी, और ये अब कुछ काम करने वाला है। पीयूष भाई, यो यो हण सिंह, अमन माचो पहन के नाचो। पीयूष भाई का कहना है कि अमन माचो पहन के नाचो, लेकिन ये ना पहनते हैं ना नाचते हैं। और अब पापा कर रहे हैं कुएं पर पूजन, क्योंकि आज है हमारे गांव में उज्जैनी, और आपके यहां पर इसे क्या कहते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। जय हो इंद्रदेव की, पानी आ जाए। और ये है हमारे मम्मी जो पूजा कर रहे हैं, और इस आग में घी डाल रहे हैं, और यहां पर कुछ हवन, हमारा ये नारियल खराब निकल चुका है गाइस, और नारियल खराब निकला यानी कि शुभ माना जाता है। मम्मी नारियल को साइड में रखने की बोल रहे हैं, लेकिन पापा रख नहीं रहे। ये है हमारे नानी जी जो शॉल ओढ़कर बैठे हैं क्योंकि इनको ज़्यादा ही ठंड लग रही है, और ये थोड़ी बीमार भी हैं। और आज हमारे कुएं पर दाल बाटी बन चुकी है। हम दोनों भाई मंदसौर से आए, यहाँ पर इतने खाना रेडी था और हमको आने में 10 बज गए थे। अब खाना तो बन चुका है, अब मैं और भाई और सारे घर वाले बैठ कर खाना खाएंगे। भाई तुमने बोला था कि मुझे व्लॉग में मत लिया करो। इस डायलॉग का अर्थ ये है और अनर्थ ये है कि हमारे पीयूष भाई को एक बार आ गया था गुस्सा, तो इन्होंने हमें बोला था कि व्लॉग में मत लेना मुझे, फिर भी हम इन्हें व्लॉग में लेंगे, लेकिन अब कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं लेंगे। और ये खींच रहे हैं कुएं में से पानी, तो पानी भरने में आई, चलो कोई बात नहीं है, आते जाते रहते हैं पानी भरने के लिए, और ये पानी खींच रहे हैं। तुम भरो पानी, मैं तो चला इंदौर। इंदौर नहीं, चलो चलो गाइस। ये है हमारी पूरी फैमिली जो आज कुएं पर खाना खाएगी और इंद्र भगवान को मनाएगी। आइए देखते हैं गाइस, हमारे मध्य प्रदेश में अगर पानी नहीं आता है कई दिनों से, एक हफ्ते दो हफ्ते से, तो हमारे गांव के लोग बहुत ही मेहनत से कुएं पर आते हैं खाना बनाने के लिए, और उज्जैन ही बनाई जाती है। और कुछ इस प्रकार मौसम हो जाता है, ऐसी तेज तेज हवा चलती है, और हम गरीबों को आई फ्लू हो जाता है, और पानी आने जैसा मौसम हो जाता है, तो इसलिए आज हम पानी उज्जैन ही बनाएंगे इस पानी वाले मौसम में। थैंक यू मेरी स्पीच पर तालियां बजाने के लिए गाइस। पीयूष भाई का बोलना है कि एक मिनट में कितना बोल लेता है ये, और ये मुस्कुराते मुस्कुराते पानी लेकर आ गए, और हमारा गोलू सेठ भगवान को प्रणाम कर रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। जल्दी वहां से हटो। गोलू तो हंस रहा है, और अब पापा कुछ नारे लगाने वाले हैं, तो सुनिए आप भी इनके नारे। और दोनों बोलो इंद्र भगवान की। गोरी ने पीयूष को मारा एक ऐसा थप्पड़ कि पीयूष हो गया बेहोश। पीयूष तो खाता रहता है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, मम्मी का कहना है कि सब खाना खाओ, तो हम खाना खाते हैं। प्लीज गाइस, कोई मेरी आंखों पर ध्यान ना देवे क्योंकि मुझे हो रहा है आई फ्लू, और अब बैठेंगे हम खाना खाने के लिए। और खाना खाने से पहले मैं इस उज्जैनी का महत्व बता देता हूँ कि पानी आने जैसा हो गया है, मौसम थोड़ा सुहाना सुहाना सा लग रहा है, बदल भी हो चुके हैं और हवा भी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन अब हम बैठेंगे खाना खाने। सो अब हम खाना खाने जा रहे हैं। रुको जरा, थाली में लूंगा आटे की। गाइस मैं खा रहा हूँ खाना, अगर आपको भी खाना खाना हो कुएं पर बैठकर मेरे साथ मजे लेने हो, तो आ जाइए मेरे घर और आ जाइए मेरे कुएं पर, खाना खाते हैं मिलकर। और ये बाटी बनाई है मम्मी ने, तो बाटी रख लेती है मम्मी हमारे, और मिर्ची पता नहीं क्या क्या बनाया है, दाल लड्डू चावल एक्स वाई जेड जो भी कुछ बनाया है, लेकिन हम खाने का आनंद लेते हैं गाइस। हम खा रहे हैं खाना और गोलू कर रहा है टाटा बाय बाय, पीयूष भाई भी एकदम देसी तरीके से खाना खा रहे हैं, और मैं भी देसी तरीके से खाना खा रहा हूँ।
अपना तो खाना हो गया कंप्लीट और मैं खड़ा भी हो गया, लेकिन इनका खाना अभी तक चल रहा है और अपना गोलू दादा रस्सी घुमा रहा है। इस रस्सी से मेरे बहुत जोरों की लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद आए तो गोलू के हाथों की मार तो चलती रहती है। मैं तो सो गया कुएं पर और अपने सुंदर सी आंखें और चेहरे को देख रहा हूँ। गोरी कर रही है जय जय बालाजी और पापा कुछ जलाने का काम कर रहे हैं। अब पता नहीं ये क्या जला रहे हैं, मुझे लगता है ये कचरा कुट्टा है। सारा सामान समेट लिया और अब हम जाएंगे की ओर। सारा सामान समेटने के बाद अब हम जाएंगे घर की ओर, पर उससे पहले और भी काम है तो उस काम को हम पहले निपटा देते हैं। और हमें एक गुलाब के फूल का पौधा लेना है जो हमें घर पर बोना है, तो इसको हम लेकर चल देंगे घर की ओर। इसके बाद पापा ने बोला बेटा ले जाओ चाबी और नानी जी को छोड़कर आओ घर पर। तो मैं गया पापा के पास और पापा से ली हमने ये चाबी बाइक की। और इसको लेने के बाद चाबी दिखाते दिखाते मैं आ गया बाइक के पास और बाइक में ये चाबी लगाई और अब हम निकलेंगे घर की ओर नानी जी को लेकर, क्योंकि हमारे नानी जी बीमार है। उनको लेकर मैं आ गया घर पर, क्योंकि नानी जी को चलने में नहीं आता तो उनकी इतनी सी हेल्प करनी तो बनती है। और मैं वापस जा रहा हूँ कुएं की ओर, क्योंकि अभी और भी काम बाकी है। पानी की केने भरनी थी कुएं से, तो इनको भरकर गाड़ी पर टांग कर मैं आ गया घर और गाड़ी को कर दी खड़ी इस गाय के सामने। और अपना गोलू पता नहीं नानी जी के साथ क्या खेल रहा है। मैंने अपने सारे कपड़े मम्मी को दे दिए कॉलेज के धोने के लिए, ताकि मम्मी अपने कपड़े धो दे और अगले दिन अपन पहन के भाग जाए। चलो बताओ। गोलू लाया था तो इसलिए उसके इनाम में खुला है ढीचू ढीचू चाकू। और हमें हो रहा है आई फ्लू, तो हम आई ड्रॉप देख रहे हैं और पपीते खा रहे हैं गोलू सेठ के साथ। और गोलू सेठ भी पपीते खाने के बड़े ही मजे और मजे से मजे ले रहा है। आई फ्लू के कारण हम रोते रोते पपीते खा रहे हैं। अभी हम हमारे ऊपर वाले नए घर, जो नया घर बन रहा है, उस साइड आए हैं। नानी जी कुछ पाल लेकर आए हैं, इसको यहाँ पर बिछाएंगे क्योंकि नीचे वाले घर में हो रही है साफ सफाई। तो इसको यहाँ पर नानी जी से मैंने ले लिया और नानी जी यहाँ पर झाड़ू निकाल रहे हैं साफ सुथरा कर कर। इसे हम यहाँ पर बिछाएंगे गाइस। नानी जी यहाँ पर कचरा निकाल ही रहे थे और मेरी नज़र पड़ी गोलू पर जो हमें शूट कर रहा था, और इसने हमें गोली मार दी है और गोली हमारे आकर लगी सीने पर। गोरी ने सीने पर गोली मारी और मैं बहुत थक गया हूँ। और आपको हमारे खाने का देसी तरीका कैसा लगा क्या आप बता सकते हैं, और कमेंट करना आपको कैसा लगा हमारे कुएं पर खाना खाने का देसी तरीका। वैसे मैं जा रहा हूँ छत पर। गैस कपड़े तो डाल दिए हैं हमने छत पर, लेकिन पता नहीं कब तक सूखेंगे ये कपड़े। गाइस हमने उज्जैनी तो मना ली और उज्जैनी में बहुत सारा मज़ा भी आया और आपको भी मज़ा आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। मैं जा रहा हूँ नीचे। चलो गाइस व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय।